ठीक है गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल, वी आर गेमर्स, इट्स मी आयुष हेयर। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसलिए मैं आपको पहले ही सजेशन देना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डेजर्ट ईगल के कुछ ट्रिक्स, एंड आप जानते हैं कि डेजर्ट ईगल कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है गेम में। नहीं जानते तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोग सभी लोग कस्टम खेलते हो गए, 1v1 कस्टम खेलते हो गए, तो वहाँ पे आपको कस्टम के फर्स्ट राउंड में डेजर्ट ईगल एंड ग्लोवल लेना पड़ता है। तो आप जानते हैं कि जिसको अच्छे से डेजर्ट ईगल चलाना आती है उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं फर्स्ट राउंड में जीतने के। एंड सिंपल सी बात है, जो बंदा फर्स्ट राउंड में जीत जाएगा उसके पास ज़्यादा कोइंस आ जाएंगे सेकेंड राउंड में अच्छी सी गन लेने के लिए। एंड अच्छी गन जिसके पास होगी वो बंदा सेकंड राउंड भी इजीली जीत जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है फर्स्ट राउंड की, एंड फर्स्ट राउंड में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है अपनी डिजर्ट ईगल की। तो डिजर्ट ईगल को हैंडल करने की ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस, आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप जाओगे ट्रेनिंग राउंड में, थोड़ी ऐसे एक्सरसाइज करोगे, मतलब सॉरी प्रैक्टिस करोगे, एंड उसके बाद आप अपने अंदर एक हैकर फील करोगे डिजर्ट ईगल का। तो ठीक है गाइज, आपको मैं छोटी छोटी स्टेप बताने वाला हूँ, आपको जस्ट वो फॉलो करना है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले आपको जाना है अपनी सेटिंग्स में, वो ओपन करनी है, एंड आपको वहाँ पे जाना है अपनी सेंसिटिविटी में। ठीक है, सबसे पहली बात आपको जर्नल सेंसिटिविटी को चेक करना है, एंड आपको मैं सजेशन देना चाहूँगा कि 100 पे रखो। ठीक है, अपनी जर्नल सेंसिटिविटी 100 पे रखो, जितनी ज़्यादा हो सके आप उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी में खेलो, उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके हेड पड़ने के, वन टैप पड़ने के। ठीक है, एंड आप यहाँ पे देखो रेड डॉट। ठीक है, रेड डॉट को भी थोड़ा ध्यान से सुनना, रेड डॉट की सेंसिटिविटी भी आपको 90 से 100 के बीच में रखनी है। आप चाहो तो 95 रख सकते हो, 96 रखते हो, या फिर 97 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन 90 से 100 के बीच में रखनी है। ठीक है, आप चाहो तो 100 भी रख सकते हो। देन दूसरी बात आती है कंट्रोल्स की, तो आपको कंट्रोल्स पर जाना है एंड कस्टम HUD में जाना है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपनी दूसरी वाली कस्टम HUD ओपन कर रखी है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूबर्स की कस्टम HUD देखकर वही सेम कस्टम HUD बनाना चाहते हैं, जिनकी वजह से उनका गेम प्ले और ज़्यादा बेकार हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरी कस्टम HUD ओपन कर ली, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो गाइस इसमें सारा खेल है अपने फायर बटन का। तो आपका फायर बटन जहाँ पे है उसको रहने दें, बस मैं आपको सजेशन दूंगा कि थोड़ा सा नीचे कर लें, क्योंकि फायर बटन जितना ज़्यादा नीचे रहेगा आपको उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा ड्रैग करने के लिए। ठीक है, एंड सिंपल सी बात है गाइस, जितना ज़्यादा आपके पास स्पेस होगा ड्रैग करने के लिए उतना लंबा आपका ड्रैग जाएगा, एंड उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके हेड लगने के। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, अपने फायर बटन को थोड़ा सा नीचे कर लेना। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका फायर बटन का साइज़ बड़ा है, मान लो आपका फायर बटन का साइज़ 60 है, 70 है, ठीक है, मान लो 60 है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फायर बटन को छोटा कर लेना है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि उसको छोटा क्यों करना है। तो पहले मान लो आपका फायर बटन का साइज़ है 60, तो 60 से आपको करना है अपना फायर बटन का साइज़ 50। ठीक है, फिर 50 से आपको करना है अपना फायर बटन का साइज़ 45, एंड उसके बाद करना है 40। ठीक है, आप जितना छोटे से खेल सकते हैं उतना अपना छोटा कर लो फायर बटन को, क्योंकि इसका भी एक लॉजिक है। समझ लो आपका फायर बटन जितना ज़्यादा छोटा है तो आपको उतना ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा ड्रैग के लिए। अभी मान लो मेरे फायर बटन का साइज़ है ओके 75 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना कम स्पेस है, कितना कम स्पेस है इधर से लेके इधर तक ड्रैग करने के लिए। लेकिन वहीं पे अगर मैं अपने फायर बटन का साइज़ कम कर देता हूँ तो मेरे पास कितना ज़्यादा स्पेस रहेगा ड्रैग करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखना, एंड यही छोटी सी सेटिंग आप कर लो, एंड इसके बाद आप जाओ ट्रेनिंग राउंड, वहाँ पर ट्रेनिंग करो। इतनी जल्दी आप नहीं सीखोगे, मैं जानता हूँ हर चीज़ इतनी जल्दी नहीं सीख जाती, बूंद बूंद से समुद्र बनता है। आपको भी जस्ट थोड़ा ट्राई करना है, प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, एंड आप उसके बाद एक हैकर फील करोगे अपने अंदर, उसके बाद आप मस्त जाके कस्टम खेलो। सो गाइस, मैं छोटी सी क्लिप लगा देता हूँ अपनी, तो वो ज़रूर देख लेना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। गलती से हुई है गाइस, ये है मेरी छोटी सी गेम प्ले की क्लिप, ये मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए डाली, ताकि इसको देख के आप समझ पाओ अच्छे से। तो आप इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आप मेरी मूवमेंट चेक करो, मेरे ट्रैक्स को देखो, मेरे फायर बटन को देखो, ताकि इससे आपको हेल्प मिले अच्छे से समझने में। तो आप यहाँ पे मेरे फायर बटन को देख सकते हो कितना छोटा है, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि फायर बटन को छोटा रखो, जिसकी वजह से आपको मूव करने में थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल जाए, एंड फायर बटन को थोड़ा नीचे रखो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ऊपर ट्रैक करने में थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने फायर बटन को छोटा कर रखा है, एंड
थोड़ा सा नीचे भी कर रखा है ताकि ऊपर ट्रैक करने के लिए मेरे को स्पेस मिल जाए। एंड यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन को भी देखो गाइस, प्रेडिक्शन से मेरा मतलब है आप एनिमी की मूवमेंट को चेक करो, मैं कैसे एनिमी की मूवमेंट का प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ एंड वहीं पे हेड मार रहा हूँ। तो गाइस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जस्ट प्रेडिक्शन लगाना पड़ेगा कि आपका एनिमी आपके साइड किस साइड से आ रहा है एंड किस तरीके से आ रहा है। आपका एनिमी सिंपल तरीके से भागता हुआ आ रहा है या फिर जिगजैग मूवमेंट करता हुआ आ रहा है या फिर ग्लू वॉल का कवर लेता हुआ आ रहा है, आपको ये अच्छे से देखना है। वैसे तो आपका एनिमी कैसे भी आए 90% चांसेस रहेंगे कि वो आपकी राइट साइड से ही आएगा, क्योंकि एनिमी को भी एक अच्छी पोजीशन चाहिए होती है हेड मारने के लिए जो उसको राइट साइड से मिलती है। तो आपको उससे पहले तैयार रहना है, देखना है कि आपका एनिमी आपके साइड आ गया है, देन अच्छा मौका देखकर आपको ड्रैग करना है, ठीक है गाइस। और कभी कभी रहता है ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको नहीं पता होता कि आपका एनिमी किस साइड से आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी चांसेस होते हैं कभी कभी आने के। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, एक तो मैं सिंपल सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि 90% चांसेस रहते हैं अगर आप राइट साइड से हेड मारते हो, लेफ्ट साइड से उतने हेड नहीं रखते। तो अगर आपका एनिमी आपके लेफ्ट साइड से आ रहा है, आपके पास ग्लो वाला, तो आप चाहते हो तो उसकी साइड ब्लॉक भी कर सकते हो, जिसकी वजह से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा राइट साइड से आने के सिवा, तो राइट साइड से आएगा देन उसके बाद उसको आप इजिली हेड मार सकते हो। बस इतनी सी बात है गाइज, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। एंड टिप्स एंड ट्रिक्स चलो एक बार को ठीक है, लेकिन गाइज सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स रहती है आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप हेड मार सकते हो। आपको खुद फील करना है कि आप मार सकते हो यार, ये गेम है, जितना प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, यू कैन डू इट ब्रदर, तो कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगा, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी है, ठीक लगी है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि आपके फ्रेंड्स लोगों को भी इसके बारे में पता चल जाए गाइस। सो बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर ऑल। Huh?